नमस्ते कार। और अभी हम खड़े हैं आज न्यू लॉन्च होंडा WRV के सामने। ये एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV है जो अभी होंडा ने लॉन्च करी है मार्केट में रिसेंटली। ये जैज के प्लेटफॉर्म में कंपनी ने इसको बनाया है। और WRV का फुल फॉर्म होता है विंसम रनअबाउट व्हीकल। और विंसम का मतलब होता है हिंदी में हम बताएं तो आकर्षक, और रनअबाउट का मतलब होता है छोटा, तो व्हीकल का मतलब तो सबको पता ही है, इट मींस गाड़ी। तो एक आकर्षक छोटी गाड़ी को हम बोलेंगे WRV जो होंडा ने बनाई। ये कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV है जो होंडा ने अपने होंडा जैज प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको बनाया है। और इसका डायरेक्ट कंपटीशन आप समझिए तो मारुति सुजुकी ब्रेजा से है और फोर्ड एको स्पोर्ट से भी है बेसिकली। तो वैसे होंडा ने इसको कंपटीशन है इसका मेन स्पोर्टी लाइफस्टाइल व्हीकल भी हम इसको कह सकते हैं। और फोर्ड एको स्पोर्ट से इसका कंपटीशन है, थोड़ा वो डस्टर से भी है और टेरानो से भी है निसान की। बट जो मेजर कंपटीशन है वो सिर्फ मारुति सुजुकी ब्रेजा से है। इसका पीछे के लाइट्स देखें, काफ़ी स्टाइलिश पीछे का इसका लुक है, थोड़ा सा मैचिंग है होंडा जैज से। यहाँ पे आपको 2 हेडलाइट बैक लाइट्स मिल रही हैं जो कट भी है। और ये इसकी पूरी बैजिंग्स हैं पीछे। और ये इसका साइड प्रोफाइल है। होंडा ने काफ़ी टाइम और समय लेकर अपनी इस कार को लॉन्च किया क्योंकि अब होंडा का काम ही पूरा इंजीनियरिंग पे है और टाइम लगाती है होंडा अपने प्रोडक्ट्स में। तो काफ़ी अच्छा लुक है। यहाँ पे फॉग लैंप्स हैं और पूरी ग्रिल है इसकी। ये ऊपर से देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ होंडा ने दी है। ये बढ़िया इसके रूफ रेल्स हैं और होंडा का सिग्नेचर। यहाँ पे एंटीना भी है और पीछे से देखें तो इसका पीछे के गेट्स का डिज़ाइन है। और ये पीछे की सीट्स, थोड़ा सा इसमें ये कपड़े वाला लुक है, कोई लेदर तो नहीं है। ये टॉप मॉडल है होंडा WRV का। पीछे कोई वेंट्स नहीं है, कुछ USB नहीं है, बस आराम से बैठो और मज़े करो। ये लाइट्स हैं, लाइट जलाओ और किताब विताब पढ़ो या जो भी चीज़ें ढूंढनी है आपको। और ये सीट बेल्ट्स हैं सब। भाई अब आगे से देखो, ड्राइवर साइड में बैठते हैं बस। अभी ड्राइवर साइड का गेट है। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स हैं मिरर्स के और सब लाइटिंग के। और ये सीट्स अभी पैक्ड है क्योंकि ये न्यू कार है, तो सारी सीट्स इसमें पैक्ड हैं। और ये सामान, आप कुछ सामान रख सकते हैं अपना यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अपना फ़ोन भी चार्ज कर लो, USB का भी सब सिस्टम दे रखा है होंडा ने। ये क्रिएटिव है यार, चुपके से अपना फ़ोन चार्ज करते रहो, किसी को पता भी ना चले। तो अब आप गाड़ी को ज़रा ऑन करें क्योंकि ये कीलेस है, सब कुछ नया टेक्नोलॉजी है सब है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस मैं क्लच दबाओ, गाड़ी लॉक कर दो और दबा दो उसको। ये वही गाड़ी अपनी हो। बढ़िया AC लगे हुए हैं यहाँ पे, 2 वेंट्स हैं, एक वेंट यहाँ पे है, एक वेंट यहाँ पे है। यहाँ पे आप अपने ग्लासेस, बियर, कुछ भी आपको रखनी है यहाँ पे रखो, ठंडा करो। ये सारे स्टेयरिंग्स पे कंट्रोल हैं इसके, ये सब यहाँ पे कंट्रोल दे रखे हैं गाड़ी के। और ये यहाँ पे अपना सामान रख सकते हो आप, ग्लोव बॉक्स है। इसका स्टेयरिंग काफ़ी छोटा है, देखो आप हाथ से लगा के देखो कितना छोटा स्टेयरिंग है। ये होंडा ने कुछ नया बनाया है और सारी गाड़ियों में भी, आप किसी गाड़ियों में भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। काफ़ी स्टाइलिश है और काफ़ी कुछ न्यू किया है होंडा ने अपने इस गियर बॉक्स के साथ। ये HDMI पोर्ट लगा सकते हो आप यहाँ पे, ये USB है, प्लस यहाँ पे एक ये पावर आउटलेट है 12V का। बाकी ये हमारा सब टच पैनल है, पूरा ऑटोमेटिक टच पैनल है, AC सब कुछ ये टच है यहाँ पे होम के साथ। ये सब आप यहाँ पे चीज़ें चला सकते हो, अपने ऑडियो वीडियो नेविगेशन सब है इसमें। अच्छा, तब आप मज़े ले सकते हो। ये अपने हेजार्ड लाइट्स हैं,
यहाँ पे आपको सामान रखना है तो रख सकते हो, आपके गियर बॉक्स सब है। ये सब कोड इसमें भी दिया है अंदर। हाँ वो मैंने दिखाया, मैंने दिखाया। और ये यहाँ से आप अपना दो लाइट्स होंडा ने यहाँ पे दिए हैं आपको, और इसको आप बैक करोगे तो ये आपका सनरूफ इसमें चलेगा टॉप मॉडल में। और इसको फिर आप बंद भी चाहो तो इसको ऐसे बंद भी कर सकते हो, इसको फिर से दबा के तो ये आपका बंद हो जाएगा। तो इससे अपनी लाइट्स आराम से लो और इसे बजा के पिंच काट दिए, जो कि ना अगर किसी का गलती से हाथ आ जाए तो ये लौट जाता है। अच्छा, तो जैसे मेरा हाथ आ जाएगा, आ जाएगा तो ये अपना भी बैक हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। होंडा ने हर चीज़ में आपको सेफ्टी दी है और हर चीज़ में आपको फ़ायदा दिया है। वैनिटी मिरर पर ये सब लेड मिरर्स हैं इसमें दिए हैं होंडा ने। और ये ड्राइविंग साइड है, वो आइए अपन थोड़ा इसका इंजन साइड देखते हैं कैसा दिखता है इसका पूरा फ्रंट इंजन साइड। इसका बूट देखते हैं, गाड़ी का बूट चेकआउट करते हैं और कैसा इसका बूट दिखता है। ये इसका बूट है, काफ़ी स्पेस है, 363 लीटर्स की इसमें जगह है। और यहाँ पे आपका स्टेपनी आती है और टूल किट है पूरी, काफ़ी स्पेस है गाड़ी में। तो काफ़ी अच्छी डील होगी अगर आपके पास इतना बजट है WRV खरीदने का, तो बड़ी शानदार डील होगी इस गाड़ी को खरीदना। और लगती भी काफ़ी स्टाइलिश है, आप डैशबोर्ड देखो पूरा गाड़ी का। एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, 220 टॉप स्पीड बता रहा है। और यहाँ पे आपका जो भी आपका सिस्टम है वो यहाँ पे दिखाएगा कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है, ट्रिपोमीटर, और रेंज कितनी है आपकी गाड़ी में, और एवरेज कितना दे रही है, 13 किलोमीटर का एवरेज दे रही है। अच्छा, ये आपका RPM मीटर है पूरा, 6000 तक जाता है आपका RPM। और ये सब कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, इंडिकेटर कंट्रोल्स और सब हर चीज़। ये सब क्रूज़ कंट्रोल है, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल सेट करो, एयरबैग्स लगे हैं, और ये सब साउंड सोर्स आपका पूरा म्यूजिक सिस्टम यहाँ से मेंटेन हो जाएगा। प्लस एक एयरबैग वहाँ पे भी दिया है होंडा ने। ये चीज़ें मैं आपको दिखाना भूल गया था, तो फिर से मैं गाड़ी में आया और उसको क्लियर करा। ये अब इंजन साउंड सुनते हैं होंडा WRV का, यहाँ पर नीचे लगा है, ठीक है। चलिए अब ख़त्म करते हैं होंडा WRV का रिव्यू। अगर आपको कैसी गाड़ी पसंद आई, कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा। और WRV अगर आपको टेस्ट ड्राइव करनी है तो होंडा को कस्टमर केयर पे कॉल करके चलाइए और बताइए कैसी लगी गाड़ी। तो देखो यार गाड़ी का क्या लग रही है, जैसे काफ़ी मिलती जुलती है ना, इसलिए तो थोड़ा सा लुक आ रहा है गाड़ी का। हम यहाँ सिर्फ बाय कर रहे हैं, बाय बाय फ्रेंड्स, और मिलते हैं अगले टेस्ट ड्राइव में।